Hey y'all, come look at this. नमस्कार विनोदो, मेरा नाम है विनोद, आप देख रहे हैं विनोद, तो चलिए विनोद करते हैं। गाइस, आज का टॉपिक ले गया हूँ मैं सेंसिटिविटी के ऊपर में। तो पहला ऑप्शन आता है कैमरा फ्री लुक। कईयों को नहीं पता होगा कैमरा फ्री लुक क्या होता है। मेरे स्क्रीन के सेंटर पॉइंट पे देखो, मैं अपना आई बटन को मूव कर रहा हूँ, लेकिन वो मूव नहीं हो रहा क्योंकि मैंने उसको सबसे लो पॉइंट पे किया है, वो है एक। ये अब उसको मैं सबसे हाईएस्ट पर 300 कर दूंगा। अब देखो थोड़ा सा मूव, पूरा आप मूव कर जाओगे, आपका थोड़ा सा मूव करो, ये देखो दो बार मैक्सिमम घूम जाएगा। तो आप इसको 100 पे रखिए, ये देखो ये 100 पे है। जितना मूव करोगे भाई एग्जैक्ट बैक देख सकोगे आप अपने। उसके बाद आता है भाई सेकंड नंबर पे कैमरा के फ्री लुक में। कैमरा जो मेरा 100 है गाइस, ये तब काम आता है भाई जब आप पैराशूट से अपने ऊपर स्कॉट्स देते हो आई बटन से, ये उस वक्त काम करता है। उसके बाद आता है भाई कैमरा थर्ड पर्सन नोस्कोप जो कि मेरा है 100। ये देखो मेरे हाथ में गन है, गन के साथ मैं अपने कर्सर को मूव कर रहा हूँ, सिर्फ इधर उधर देख रहा हूँ। तो गाइस मेरा कैमरा का थर्ड पर्सन नोस्कोप वर्क करता है, ये देखो। अब उसके बाद आता है भाई कैमरा का रेड डॉट होलोग्राफिक एम असिस्ट जो कि मेरा 48% है, ये देखो। अब मैं यहाँ पे रेड डॉट ओपन करा, रेड डॉट ओपन करके मैं सिर्फ मूव कर रहा हूँ, शूट नहीं कर रहा, तब आपका कैमरा का रेड करता है गाइस। अब देखो मैं वहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, एग्जांपल अब वहाँ से गाड़ी जाएगी, देखना अब मेरा गाड़ी के साथ साथ मूव होगा, मैं शूट नहीं कर रहा हूँ, ये आप एग्जांपल के लिए बताया मैं। उसके बाद आता है ADS थर्ड पर्सन नोस्कोप जो मेरा 75 है। अब मैं विदाउट स्कोप ओपन के फायर कर रहा हूँ, ये गाइस ये तब चीज़ वर्क करती है जब आप अपने क्लोज रेंज में। तो उसके बाद मैं इसको लोएस्ट पॉइंट पे ले जाऊँगा 75 से, देखना 75 से कर दूँगा मैं 1, तब देखना गाइस। अब मैं फायर करूँगा, मैं थंब से मूव कर रहा हूँ लेकिन मेरा मूव नहीं हो रहा है। तो अब इसको मैं हाईएस्ट पॉइंट पे कर देता हूँ जो कि 300। भाई थोड़ा सा थंब टच किया मैंने, पूरा मूव हो रहा है, आप 360 दे सकते हो भाई। इसके बाद आता है ADS का रेड डॉट जो कि भाई बहुत फ़ायदेमंद है। 80% मैच आप जैसे ही रेड डॉट से खेलते हो, और अगर आप देखोगे मेरी रेड डॉट की सेंसिटिविटी 59% है जो कि भाई बहुत सही है। अगर आप गाड़ी पे स्प्रे रेड डॉट से दे रहे हो तो भाई इजीली बंदा उतार सकते हो। तो भाई और देखो मैंने दो मार्कर लगाए हैं, दो मार्कर पे आप एग्जांपल दे रहा हूँ, दोनों मार्कर पे एनिमी है। अगर मैं इन पर शूट करूँगा गाइस, अब देखना, और इन पर मैं शूट करते करते अगर मैं मूव कर रहा हूँ तो भाई मेरा ADS वर्क कर रहा है। मैं एक एनिमी से दूसरे एनिमी पे शूट करते करते उसको नॉक डाउन कर रहा हूँ, तो गाइस मेरा ADS वर्क कर रहा है। तो गाइस इसके बाद ठीक है, ये तो हो गया अपना रेड डॉट। इसके बाद आता है भाई जायरोस्कोप, जायरोस्कोप जो कि भाई मेन कोर्स है। जायरोस्कोप अगर कोई यूज़ करता है भाई हाइयर सेंसिटिविटी पे, कई होते हैं लो सेंसिटिविटी पे खेलते हैं, मेरा जायरोस्कोप हाई सेंसिटिविटी पे है भाई, 300 है मैक्सिमम सभी चीज़ें। तो ये मैं अपने जायरो से मूव कर रहा हूँ। अगर गाइस आप एक जायरो प्लेयर हो तो भाई यार सेंसिटिविटी को अगर आपको पता ही होगा, लगभग जायरो प्लेयर्स को सभी को पता है, गाइस जितने आप जायरो सेंसिटिविटी को हाई रखते हो भाई उतना कंट्रोल इजी रिकॉइल होता है। ये मैं रेड डॉट लेजर सेट लगा के दे रहा हूँ। अगर आप रेड डॉट का भी एम अगर आपका हिल रहा है ना भाई, तो आप सेंसिटिविटी में अपने चेंज करो। अब मैं 3x लगा रहा हूँ बिना ग्रिप के कोई, अब देखना गाइस भाई बिना किसी साइड के मैं 3x दे रहा हूँ भाई, लेज़र स्प्रे जा रहा है। अब सामने स्पॉन बगी पे मैं दूंगा, देखना गाइस ये सारा स्प्रे मेरे बैक बगी के बैक इंजन पे गया है जो कि भाई बहुत डैमेज देता है। अगर अब मैं इस पर वर्टिकल ग्रिप लगाऊँ जो कि अपना वर्टिकल रिकॉइल कंट्रोल करती है, तो गाइस अब देखना मैं स्टैंड करके स्प्रे दूंगा पहला गाइस, देखो भाई ईजिली टेक डाउन कर सकते हो किसी को भी। और नेक्स्ट स्प्रे मेरा क्राउच करके दे रहा हूँ मैं, क्राउच करके और पीक लेके अगर आप शूट करोगे तो आपका रिकॉइल कंट्रोल कम होगा। ये मेरा पूरा 6x स्प्रे है विदाउट किसी ग्रिप के दिया मैंने, अब देखना गाइस। अब मैं इसको 3x में कन्वर्ट करूँगा, ये भी विदाउट ग्रिप के है भाई। स्प्रे देखो कितना ओपी जा रहा है यार, बिल्कुल लेज़र नो रिकॉइल। अब ये देखो ये भी कोई ग्रिप नहीं है, बगी पे दे रहा हूँ मैं, ये देखो भाई पूरा अच्छा ठीक है। अब देखो भाई अब आता है भाई ये देखो बिना इक्विपमेंट्स के, अब इस पे मैं लगा रहा हूँ हाफ ग्रिप ठीक है। हाफ ग्रिप लगाने के बाद भाई स्प्रे देखो, वहाँ बगी नहीं थी, एक बार मैं बगी को स्पॉन होने दे रहा हूँ, ये देखो ये बगी आई भाई, एकदम लेज़र स्प्रे जाता है अगर आप हाफ ग्रिप यूज़ कर रहे हो। अगर और जायरो भी है
भाई तो तबाही मच जाएगी। ये मेरा 4x स्प्रे है भाई, इसका भी कोई रिकॉल नहीं है। स्टैंड अप होके दे रहा हूँ मैं, क्राउच नहीं कर रहा हूँ मैं, स्टैंड होके दे रहा हूँ, ठीक है। विदाउट इक्विपमेंट इसके लगा रहा हूँ मैं। अब देखो भाई, इस पर भी मैं ग्रिप लगाऊंगा, अभी नहीं। ये देखो मेरा विदाउट किसी कोई ग्रिप भी नहीं है भाई मेरे यहाँ पे। ये देखो भाई, गाड़ी लगभग ब्लास्ट हो चुकी थी, मेरी एमो खत्म हो गई थी। उसके बाद ये 6x स्प्रे, ये भाई मैंने ऐसे ही चला दिया। ये भी मेरा बहुत अच्छा कंट्रोल होता है, AKM हो चाहे बैरल हो भाई, कोई भी कर लो, मेरा अच्छा कंट्रोल होता है। 6x की सेंसिटिविटी OP है भाई ये। बाकी आप देख लो यार, ये मेरी सारी सेंसिटिविटी है। गाइस वीडियो अच्छी लगे यार, पहले टाइम फर्स्ट टाइम मेरा ये अपने वॉइस ओवर किया मैंने। वीडियो अच्छी लगे यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो यार, और होपफुली यार नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ जाएगी। नेक्स्ट वीडियो का बस भाई काम चल रहा है, एडिटिंग हो रही है भाई कुंभा वाली। तो गाइस लव यू।